टैलेंट एंड सर्विसेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो टॉपिक है एक्सपोर्ट प्राइस लिस्ट। टैली में क्या होता है, प्राइस लिस्ट अगर से हम एक्सपोर्ट करते हैं तो उस प्राइस लिस्ट में पर्टिकुलर आइटम्स को रेट नहीं रहता, सम आइटम्स को रेट नहीं आएगा, सम आइटम्स को रेट रहेगा। तो टैली में इसका फिल्ट्रेशन ऑप्शन कुछ नहीं है, तो इसको हम TDL के थ्रू आसान कर सकते हैं कि सिर्फ आइटम्स का रेट है सो आइटम्स ही एक्सपोर्ट हो और बाकी एम्प्टी एक्सपोर्ट ना हो। तो इसके लिए हमने टैली में एक सॉल्यूशन बनाया है, चलो ये फटाक से देख लेते हैं। इसमें 11 में एड ऑन फीचर्स में जाके एनेबल करने के बाद वो एनेबल हो जाएगा। आपको एनेबल होने के बाद एक्सपोर्ट में आके प्राइस लिस्ट एक्सपोर्ट बोल के यहाँ पे दिखेगा आपको। एंटर करने के बाद ये सारे कुछ प्राइस लिस्ट के है, Level 1, Level 2, Level 3 जो है वो प्राइस लिस्ट है, उसके रेट्स वगैरह वगैरह है इसमें। तो हम इसमें ये कस्टमाइजेशन में प्राइस लिस्ट को फिल्टर भी कर सकते हैं कि कौन सा प्राइस लिस्ट चाहिए हमको, कौन सा प्राइस लिस्ट नहीं चाहिए, बोलते प्राइस लिस्ट वाइज फिल्टर भी कर सकते हैं। और सारे प्राइस लिस्ट चाहिए तो ऑल आइटम्स लेके हम सारे प्राइस लिस्ट को एक ही बार इम्पोर्ट कर सकते हैं, सॉरी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसमें आइटम का फिल्टर भी लगा हुआ है रिपोर्ट में। आइटम को जाने के बाद पर्टिकुलर आइटम होना हमको बोले तो आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 6, जो भी पर्टिकुलर आइटम होना बोले तो हमको हम फिल्टर कर सकते हैं रिपोर्ट में से। अगर ऑल आइटम्स चाहिए तो ऑल आइटम्स का ले सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें आके आइटम का HSN कोड और GST नंबर चाहिए बोले तो हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में एक बटन दिया है, यहाँ पे शो HSN आइटम वाइज डिटेल्स, शो GST आइटम वाइज डिटेल्स देने के बाद ये हमको यहाँ पे डिस्प्ले हुआ। तो इसको एक्सपोर्ट करने के बाद करेंट एक्सपोर्ट में फाइल फॉर्मेट आके एक्सेल ले लेंगे, फाइनल लोकेशन आके ई प्राइम वर्जन में ले लेंगे। सेंड करने के बाद मिनिमाइज फाइनल लोकेशन, यहाँ पे जाने के बाद प्रॉपर्टीज में यहाँ पे एक फाइल आएगी प्राइस लिस्ट एक्सपोर्ट। इसको ओपन करने के बाद हमको जो भी प्राइस लिस्ट है वो एक्सपोर्ट हो जाएंगे विद HSN नंबर, विद GST परसेंटेज, सारे कुछ, प्राइस 1, प्राइस 2, प्राइस 3, प्राइस 4 के जो भी है वो हमको एक्सपोर्ट हो जाएंगे। हम यहाँ पे फिल्टर भी लगा सकते हैं और इसको ये भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये डिफॉल्ट टैली में नहीं रहेगा, डिफॉल्ट टैली प्राइम में भी नहीं रहेगा, ERP में भी नहीं रहेगा। ये कस्टमाइजेशन के थ्रू हमने डेवलप किया है एक सॉल्यूशन। मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मोर वीडियोस आपको डेवलपिंग के रिलेटेड टैली के आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स,